सुप्रभात बच्चों। बच्चों, जब हम लिखते हैं, कुछ बातें करते हैं, बोलते हैं, तो अगर वो व्याकरणबद्ध ना हो तो उसका कोई अर्थ नहीं होता, है ना। इसलिए जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो व्याकरण शुद्ध होना चाहिए। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे व्याकरण भाग से भाषा और व्याकरण, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में आज हम जानेंगे। एक प्रश्न जो है बार बार हमारे मन में आता है बच्चों, कि भाषा का विकास कैसे हुआ होगा, किसने पहले भाषा तैयार किया होगा, है ना। जब मनुष्य के पास भाषा नहीं थी तब वह अपनी बात बताने के लिए, दूसरे को बात समझाने के लिए किस तरह वह प्रयोग करता था, इशारा द्वारा या संकेत द्वारा। लेकिन इसे क्रय करने के लिए, इस तरीके का प्रयोग करने के लिए उसे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, है ना बच्चों। तो स्वाभाविक है कि इस तरह बात करना उसके लिए क्या है, अत्यंत कठिनाई रहा होगा। और तब यह कठिनाई निपटने के लिए उसने कुछ आवाज़ें या फिर ध्वनियाँ निकालना शुरू किया होगा, एक दूसरे को बात बताने के लिए ध्वनियाँ या फिर संकेत द्वारा या आवाज़ द्वारा, वह इशारे द्वारा वह अपने मन की जो बात है उसे बताना चाहने लगा। फिर क्या है, क्रम से धीरे 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 क्या हुआ, भाषा का विकास हुआ, यानी उसके मुंह से शब्द आने लगे और उसने खुद ही क्या है भाषा तैयार की। एक चीज़ को क्या कहते हैं, है ना, वो कितने सालों तक इशारों और आवाज़ और ध्वनि द्वारा ही उन्होंने क्या है एक दूसरे से वार्तालाप किया और जीवन व्यापन किया। लेकिन धीरे धीरे उन्हें ज़रूरी लगी कि हम भाषा तैयार किए और उन्होंने भाषा तैयार किया। जिस साधन द्वारा हम अपने भावों और विचारों को आदान प्रदान करते हैं उसे हम क्या करते हैं बच्चों, भाषा करते हैं। तो भाषा के कितने रूप हैं, भाषा के दो रूप है, वो कौन कौन से हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप, है ना बच्चों। मौखिक रूप यानी क्या, जिस बात को हमें दूसरे व्यक्ति को बोलकर समझाना होता है, और जो हम बोलते हैं उस भाषा को जो आपके सामने हुआ खड़ा व्यक्ति उसे समझता है, सुनकर जो समझता है उसे मौखिक कहते हैं, मौखिक भाषा की जाती है। जैसे एक दो बच्चों के बीच में क्या है, वाद विवाद का प्रतियोगिता लगाते हैं, है ना। अध्यापिका जब आपके कक्षा में गतिविधि लेती, एक्टिविटी लेती है, तो समझो आप दो बच्चों को उठाती है, एक बच्चे का नाम क्या है सुमन है और एक बच्चे का नाम क्या है साधना है। तो इन दो लड़कियों के बीच में क्या है वार्तालाप यानी वाद विवाद का प्रतियोगिता लगाती है। लेकिन उसी बात को बच्चे सुनते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में जो वाद विवाद हुआ है वो किस लिए हुआ है, इस बात को क्या है अध्यापिका अन्य बच्चों को समझाती है, और उन बातों को सुनकर जो बच्चे समझते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा रूप है लिखित रूप। लिखित रूप किसे कहते हैं, जैसे एक बच्चा है रमन, अपनी जो भी भावना है यानी जो भी उसे बातें बतानी उसे वह पत्र द्वारा लिखकर अपने दादाजी को भेज देता है, और उस पत्र को पढ़कर दादाजी समझ लेते हैं। यानी बच्चों कई बार क्या है, हम दूर रहते हैं तो वहाँ से हम समझो नहीं, अभी तो सभी सुविधाएं हैं हमारे पास, लेकिन प्राचीन काल में भी क्या होता था, पत्र द्वारा अपने जो भी विचार है उसको प्रकट करने के लिए पत्र द्वारा लिखकर वहाँ भेज देते और उसके लिए एक लिपि तैयार की गई। तो बच्चों जिस तरह हम लिख कर अपने मन की बात बताते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो इस तरह अनेक तरह की भाषाएं क्या है इस धरती पर तैयार हो गई। तो अगली कक्षा में हम जानेंगे बोली किसे कहते हैं और वो कितनी सारी हैं और कितनी सारी भाषाओं को मान्यता मिली है, इसके बारे में हम अगली कक्षा में जानेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।